गुड मॉर्निंग एवरी वन वेलकम टू सी आई सी ए ऑनलाइन क्लासेस आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पार्ट टाइम वैल्यू ऑफ मनी मैंने आपको बोला इंटरेस्ट दो तरीके से चार्ज होता है कौन कौन सा एक तो सिंपल और दूसरा कंपाउंड आज हम लोग करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट जब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन हर बार बेसिक प्रिंसिपल प्लस अब तक का जो इंटरेस्ट मिल चुका है उस पर होती है दैट स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंडिंग करना ऑरिजिनल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दैट इज इक्वल टू सेकेंड प्रिंसिपल ठीक है कंपाउंडिंग दो तरीके से लगती है अभी तक आपने पढ़ा था कि आप क्या कर रहे हैं एक पे पैसा डिपॉजिट करवा रहे हैं क्या होता है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन होती है और आफ्टर सम टाइम आपको क्या मिल जाता है अमाउंट दैट इज वन टाइम पेमेंट और रिसिप्ट लेकिन कंपाउंडिंग दूसरे तरीके से भी होती है हम क्या करते हैं रेगुलर टाइम इंटरवल में पेमेंट करते हैं या रिसिप्ट करते हैं और उसके बाद क्या होती है उस पर ही इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड टाइम पेमेंट रेगुलर इंटरवल में टाइम पेमेंट और रिसिप्ट इसके एग्जांपल्स होते हैं एन्यूटी और परपेचिटी ये आप लोग आगे अपनी क्लासेस में अभी सी फाउंडेशन में पढ़ेंगे हम और आगे आपके पास इंटर में एंड फाइनल में यही चीज़ कंटिन्यू होगी ठीक है इसका एग्जाम्पल लेते हैं वन टाइम पेमेंट और रिसिप्ट का और रेगुलर पेमेंट या रिसिप्ट का एफ डी आपने क्या करवाया वन टाइम पैसा डिपॉजिट करवाया इन द बैंक उस पर क्या होता है बार बार इंटरेस्ट की कैलकुलेशन मिलती होती है और आफ्टर सम टाइम्स आपको अमाउंट मिल जाती है रेगुलर पेमेंट या रिसिप्ट आर डी रिकरिंग डिपॉजिट आपकी मदर या फादर ने बैंक पोस्ट ऑफिस में करवा रखी होगी हम क्या करते हैं हर टाइम इंटरवल में क्या करते हैं पेमेंट डिपॉजिट करवाते हैं या मिलता ठीक है लोन्स लोन्स हम क्या करते हैं ले लेते हैं और रेगुलर इंटरवल में पेमेंट करते हैं उसकी पेंशंस इन फाइनल टाइम तक आपको मिलती हैं तो अगर आपको बोला जाए रेगुलर पेमेंट या रिसिप्ट तो दैट तो मीन्स इट कैन बी और परपेचुटी अभी हम आगे पढ़ेंगे इसमें लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे वन टाइम पेमेंट और रिसिप्ट और इसके फॉर्मलेट्स क्या होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर टू दावर एन वट इज पी पी प्रिंसिपल लेकिन आप समझ सकते हैं यहां पर थोड़े टेक्निकल वर्ड्स काम में आएंगे अब तो प्रिंसिपल यानी कि प्रेजेंट वैल्यू या वैल्यू जो आप पे कर रहे हैं आज आपने क्या करवाया बैंक में एफडी करवाई तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी हो गई वन लाख रुपीज वन लाख की एफडी करवाई वन लाख रुपीज क्या हो गई प्रेजेंट वैल्यू हो गई या प्रिंसिपल जो आपने इन्वेस्ट किया है अमाउंट आफ्टर सम टाइम्स जब प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो जो आपको मिल रहा है दैट इज कॉल्ड अमाउंट अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आर यहां पर आप देखेंगे कि जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट करते हैं वी यूज कैपिटल आर यानी कि हमें बोला गया है कैपिटल आर एनुअल रेट ऑफ रिटर्न लेकिन यहां पर आर यूज नहीं करना है कैपिटल आर यहां पे यूज करेंगे फार्मूले में स्मॉल आर एस में हम यूज करते थे टी लेकिन यहां यूज करेंगे हम फॉर्मूले में एन वट इज एन एन इज नथिंग बट द नंबर ऑफ टाइम्स यू कैलकुलेट इंटरेस्ट इसका टाइम से कोई रिलेशन नहीं है एन मीन्स जितनी बार आप इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कर रहे हैं एन इज ओनली दैट ठीक है कितने टाइम्स आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया कितनी बार आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है डेट इज एन ठीक है तो अमाउंट इज इक्वल टू तो प्रिंसिपल वन प्लस आर टू दी पावर एन सी आई क्या होगा हमें पता है कि अगर हमें इंटरेस्ट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे अमाउंट का फॉर्मुला ये लिखा हुआ P वन प्लस आर टू दी पावर एन मैंने P माइनस कर दिया P को मैं निकालू दोनों में से वन प्लस आर टू पावर एन माइनस वन दैट मीन सी आई का कोई नया फॉर्मूला नहीं है ये इट इज अ न्यू फॉर्मूला आप चाहें तो इसको यूज ना करें आप डायरेक्टली अमाउंट निकालिए उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली ठीक है अब हम समझते हैं कि ये आर और एन है क्या क्वेश्चन में एनुअल रेट होती है और टाइम गिवन होता है आपको क्या करना है उस रेट से और उस टाइम से स्मॉल आर और एन कैलकुलेट करना है ठीक है चेक करते हैं हम लोग कैसे करेंगे इसको सपोज करिए आपको एनुअल रेट दे, 12 दे है ट्वेल्व परसेंट और टाइम दे रखा है वन ईयर ठीक है ये क्वेश्चन में आपके पास आएगा क्योंकि एस में भी हमें रेट गिवन थी और हमें टाइम गिवन था ठीक है हमें क्या फाइंड करना है हमें फाइंड करना है कंपाउंडिंग के लिए स्मॉल आर स्मॉल एन आर का क्या मतलब है क्या रेट लगनी चाहिए उस टाइम इंटरवल के लिए जिसके अकॉर्डिंग कंपाउंडिंग हो रही है एन क्या है नंबर ऑफ टाइम्स जितने टाइम्स इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है ठीक है तो अगर हमें आर निकालना है और एन निकालना है तो पहले हम समझेंगे कंपाउंडिंग कितने तरीके से हो सकती है बेसिकली बेटा कंपाउंडिंग जो होती है वो चार तरीके से होती है पहला होता है एनुअली अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है तो आप क्या मान के चलेंगे कि कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली लेकिन कंपाउंडिंग और तीन तरीके हैं जिनसे हो सकती है सेकेंड इज सेमी एनुअली या हाफेयरली यू कैन से थर्ड क्वार्टरली एंड फोर्थ कंपाउंडिंग हो सकती है आपकी मंथली क्वेश्चन में गिवन आएगा कि कंपाउंडिंग कैसे हो रही है हाफेरली क्वार्टरली या मंथली करना क्या है आप समझेंगे वन ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं मैं पहले समझा रही हूं सेमी एनुअली या हाफ ईयर में कितने हाफ ईयर्स होते हैं टू दैट आपको क्या करना है आपको रेट को डिवाइड करना है टू से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है टू से सेमी एनुअली वन ईयर में कितने हाफ ईयर्स होंगे टू तो टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई रेट को डिवाइड टाइम को मल्टीप्लाई क्वार्टरली ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे फोर क्वार्टर्स दैट मीनस आप क्या करेंगे रेट को डिवाइड करेंगे फोर से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से मंथली वन ईयर में कितने मंथस होते हैं ट्वेल्व तो आप क्या करेंगे रेट को ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे और टाइम को ट्वेल्व से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हमें रेट दे रखी थी ट्वेल्व परसेंट टाइम दे रखा है वन ईयर कंपाउंडिंग सपोज करिए लिखा हुआ एनुअली कुछ ही नहीं करना एक साल बाद ही कैलकुलेशन हो रही है हर साल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है तो कैलकुलेशन कितनी हुई होगी एक साल में एक बार ही हुई होगी और रेट वन ईयर की दे रखी है तो वन ईयर की लगनी है ट्वेल्व परसेंट मतलब कुछ ही नहीं करना आपको नथिंग इज टू बी डन जब भी क्वेश्चन में एनुअली दे रखा है आपको कुछ नहीं करना हाफ मैं बोल रही हूं कि साल भर की रेट है ट्वेल्व परसेंट तो अगर साल भर की रेट है ट्वेल्व परसेंट लेकिन मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ आफ्टर सिक्स मंथ्स कंपाउंडिंग कैसे करनी है हाफ एडली करनी है यानी कि हर छः महीने बाद मैं क्या कर रही हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो अगर साल भर की रेट लग रही है ट्वेल्व परसेंट तो सिक्स मंथ्स की रेट कितनी लगेगी हाफ लगेगी सिक्स परसेंट दैट्स वाई मैंने आपको डायरेक्टली बोला डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाइड बाई टू ठीक है टाइम समझते हैं एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा हर छः महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ मैं तो वन ईयर में कितनी टाइम्स कैलकुलेट होगा टू टाइम्स दैट्स वाई टू से डिवाइड करते हैं टू से मल्टीप्लाई करते हैं अब डायरेक्ट याद रखिए हाफ एयरली केस में टू से डिवाइड टू से मल्टीप्लाई थर्ड लेते हैं क्वार्टरली साल भर की रेट लग रही है ट्वेल्व परसेंट और मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूं हर थ्री मंथ्स में क्वार्टरली का मतलब हर थ्री मंथ्स का क्वार्टर बनेगा हर थ्री मंथ्स में मैं क्या कर रही हूँ <सथ> इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो अगर एनुअल रेट दे रखी है ट्वेल्व परसेंट तो मुझे थ्री मंथ्स की रेट निकालनी है थ्री मंथ्स की रेट कितनी आएगी वन मंथ की वन परसेंट थ्री मंथ्स की थ्री परसेंट इसीलिए मैंने आपको बोला डायरेक्टली आप क्या करेंगे फोर से डिवाइड कितने टाइम कैलकुलेशन होगी टाइम है वन ईयर मैं हर थ्री मंथ्स में कुछ काम कर रही हूँ वट इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ कितनी बार कैलकुलेशन होगी मेरी फोर टाइम्स दैट मीन्स एन कितना हो जाएगा हमारा फोर टाइम्स लास्ट कंपाउंडिंग मंथली भी हो सकती है अगर साल भर की रेट लग रही है ट्वेल्व परसेंट और मैंने तो एक महीने बाद ही इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो ट्वेल्व परसेंट तो नहीं लूंगी तो मैं क्या करूंगी अगर साल भर की लग रही है ट्वेल्व परसेंट वन मंथ की लगेगी वन परसेंट एंड एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगी मैं दैट इज ट्वेल्व टाइम्स ठीक है एक और एग्जाम्पल लेंगे आर ओ रेन का ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं आर और एन सपोज करिए रेट दे रखी इस बार एटीन परसेंट और टाइम दे रखा है आपको टू पॉइंट फाइव इन टू पॉइंट फाइव इन दैट मीन टू ईयर्स कंप्लीट हाफ ईयर सिक्स मंथ्स ठीक है अब अगर कंपाउंडिंग हो रही है एनुअली कुछ भी नहीं करना एक साल की रेट दे रखी वही यूज करेंगे एटीन परसेंट है एटीन परसेंट ही यूज करना है नथिंग इज टू बी डन कितनी बार कैलकुलेशन होगी कितनी बार कैलकुलेशन होगी ढाई साल हैं पहले साल होगी दूसरे साल होगी उसके बाद आधे साल बाद करूंगी इसका मतलब टू पॉइंट फाइव टाइम्स ही कैलकुलेशन होगी एनुअली में कुछ नहीं करना है जो दे रखा है वही यूज करेंगे हाफ एयरली हर छह महीने बाद में क्या कर रही हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूं तो अगर मैं साल भर की रेट ले रही थी एटीन परसेंट तो छः महीने की रेट क्या लगेगी डिवाइड बाय टू नाइन परसेंट टाइम मल्टीप्लाइड बाय टू दैट इज इक्वल टू फाइव टाइम्स कैसे हर छः महीने बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ तो ढाई साल में कितनी बार कैलकुलेट कर लूंगी हर आधे साल बाद में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही हूँ इन टू पॉइंट फाइव ईयर्स यानी कि ढाई साल में मैं कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लूँगी वन ईयर में टू टाइम्स सेकेंड ईयर में अगेन टू टाइम्स थर्ड ईयर में ओनली वन टाइम दैट इज इक्वल टू फाइव टाइम्स ठीक है क्वार्टरली क्या करेंगे रेट को डिवाइड करेंगे फोर से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे फोर से ढाई साल यानी कि टू पॉइंट फाइव ईयर्स कितने क्वार्टर्स बनते हैं वन ईयर में फोर क्वार्टर सेकेंड ईयर में फोर क्वार्टर्स थर्ड जो थर्ड ईयर है वो हाफ है उसमें टू क्वार्टर्स टोटल टेन टाइम्स आप क्या करेंगे कैलकुलेशन कर लेंगे मंथली साल भर की रेट लग रही है एटीन परसेंट मंथली रेट लगेगी कितनी वन पॉइंट फाइव और कितनी बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगी थर्टी टाइम्स सिंपली आपको लर्न करना है क्या आपको लर्न करना है कि एनुअली के लिए जो रेट है जो टाइम है वही यूज करेंगे हाफ एयरली के लिए रेट डिवाइड बाय टू टाइम मल्टीप्लाइड बाय टू क्वार्टरली के लिए रेट डिवाइड बाय फोर टाइम मल्टीप्लाइड बाय फोर मंथली रेट डिवाइड बाय ट्वेल्व टाइम मल्टीप्लाइड बाय ट्वेल्व वन मोर थिंग टाइम शुड ऑलवेज बी इन ईयर सपोज करिए लिखा हुआ है थ्री ईयर्स सिक्स मंथ्स और आप इसी को मल्टीप्लाई करने लग गए क्वार्टरली के लिए फोर से तो कैसे करेंगे थ्री ईयर्स सिक्स मंथ्स पहले इसको पूरे को आप ईयर में कन्वर्ट करेंगे यानी कि थ्री ईयर्स प्लस सिक्स डिवाइडेड बाई टू यानी कि थ्री पॉइंट फाइव ईयर्स अब क्वार्टरली के लिए मल्टीप्लाइड बाई फोर दैट मीन्स कितनी बार कैलकुलेशन होगी आपकी फोर्टीन टाइम्स साढ़े तीन साल में कितनी बार कैलकुलेशन कर लेंगे आप फोर्टीन टाइम्स दैट इज एन ठीक है टाइम शुड ऑलवेज बी इन ईयर कंपाउंडिंग कैसे हो रही है उसके लिए आपको नंबर याद रखने हैं हाफ एयरली टू क्वार्टरली फोर एनुअली ट्वेल्व अब मैं आपको समझाऊंगी कि इन परसेंटेज को वन प्लस आर की वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे ठीक है स्टार्ट करने से पहले पहले मैं आपको समझाऊंगी कि आपको डायरेक्टली वन प्लस आर टू तो दी पावर एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है तो आई विल शो अ कैलकुलेटर टू यू कि आपको कैसे यूज़ करना है और आपको इसको यूज़ करना समझा रही हूँ मैं ठीक है सपोज करिए इसको रब करती एक मिनट सपोज करिए रेट दे रखिए ट्वेल्व परसेंट टाइम दे रखा है हमें वन ईयर और कंपाउंडिंग हो रही है हमारी क्वार्टरली तो अगर हमारी कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली तो हमें पता है कि रेट क्या लगनी चाहिए और टाइम कितना होना चाहिए तो सबसे पहले हम लोग रेट निकालते हैं रेट क्या लगेगी क्वार्टरली के लिए डिवाइड बाय फोर क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय फोर रेट कितनी लगनी चाहिए आपकी थ्री परसेंट एन कितनी बार कैलकुलेशन होगी वन ईयर में फोर टाइम्स अब मैं आपको समझा रही हूं कि वन प्लस आर टू दी पावर एन की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है देखिए थ्री परसेंट थ्री परसेंट का मतलब होगा पॉइंट जीरो थ्री ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन हैं जो आपको स्पीडली करनी है ठीक है थ्री परसेंट दैट मींस थ्री डिवाइड बाई हंड्रेड ऐसा नहीं लिखेंगे बार बार कैलकुलेटर पे पूरा सॉल्व कर रहे हैं ये पूरे क्वेश्चन हम क्या करेंगे कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे थ्री परसेंट दैट मींस जीरो थ्री पावर कितनी लगानी है फोर तो मैं अब इसको डायरेक्ट लिखूंगी वन प्लस आ टू दी पावर एन दैट मीन्स वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर फोर वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर फोर आपको क्या करना है कैलकुलेटर पे लिखना है वन पॉइंट जीरो थ्री मल्टीप्लाय मल्टीप्लाई का साइन दबाना है और इक्वल दबाना है वन मोर थिंग पावर फोर यहां पर इस साइड में जो छोटा सा नंबर आता है आप अपने कैलकुलेटर पे चेक करेंगे ये नंबर एक ज्यादा आना चाहिए यहां लिखा हुआ है फाइव दैट मीन्स मैंने कितनी बार प्रेस किया है इसको फोर टाइम्स ये पावर फोर हो गई है ठीक है दोबारा लिख रही हूँ मैं वन पॉइंट जीरो थ्री की पावर फोर वन पॉइंट वन टू फाइव अप्रोक्स तो मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ और एक बार इनको सॉल्व कर रहे हैं हम उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन ये चीज़ आपके हैं में और ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत फ़ायदा देगी इसीलिए पहले कह रही हूँ आप इसकी प्रैक्टिस करिए आफ्टर डेट आप क्वेश्चन पे जाइए ठीक है अब मैं डायरेक्ट लिखूंगी शॉर्ट में कि आन कितना है एन कितना है सपोज करिए आर लिखा हुआ है अपना टेन परसेंट और एन आपको दे रखा है ट्वेल्व आप क्या लिखेंगे इसको टेन परसेंट यानी कि पॉइंट वन जीरो टेन परसेंट टेन डिवाइड बाई हंड्रेड पॉइंट वन जीरो यानी कि अगर आपको फाइंड करनी है वन प्लस आर टू दी पावर एन की वैल्यू ये कितनी आएगी वन पॉइंट वन जीरो की होल पावर ट्वेल्व कैलकुलेटर पे कैसे सॉल्व करेंगे वन पॉइंट वन पावर आपको तब तक प्रेस करना है जब तक कि यहां पर 13 नहीं आ जा लिखा हुआ वाला वाला ये ऊपर वाला साइड वाला नंबर ये साइड पे आप नंबर देखेंगे जितनी पावर है उससे एक नंबर ज्यादा आना चाहिए ये अगर थर्टीन लिखा हुआ है दैट मीनस वैल्यू कितनी आएगी आपकी इसकी थ्री पॉइंट वन थ्री एट प्रैक्टिस करें आप इसकी मैं एक दो नंबर और लिख रही हूं सपोज करिए रेट दे रखिए हमें वन पॉइंट फाइव परसेंट और एन हमें दे रखा है फोर वन पॉइंट वन फाइव अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है गलत है वन प्लस आटो दी पावर एन की वैल्यू निकालनी है वन पॉइंट फाइव परसेंट ये इसका मतलब पॉइंट वन फाइव नहीं होगा पॉइंट जीरो वन फाइव होगा अगर आपको शुरू में कंफ्यूजन होता है यू कैन डिवाइड 1.5 डिवाइड बाई हंड्रेड फाइव डिवाइड बाई हंड्रेड विल कम्स कम्साइव तो कुल मिला के टू दी पावर एन की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है मैं क्या लिखूंगी मैं इसको लिखूंगी वन पॉइंट जीरो बार बार हम ऐसा नहीं लिखेंगे वन प्लस फोर उसको सॉल्व करेंगे नहीं कैलकुलेटर पे स्पीड बनाइए इसकी ठीक है कितना आएगा वन पॉइंट जीरो वन फाइव पावर फोर पावर फोर का मतलब है आपको इसको थ्री टाइम्स प्रेस करना फाइव टाइम्स प्रेस करना है यहाँ फाइव आ जाना चाहिए कितना आएगा इसकी वैल्यू आएगी आपके पास वन पॉइंट जीरो सिक्स वन सिक्स लास्ट एक और ले रही हूँ सपोज करिए आ दे रखा है आपका पॉइंट एट परसेंट और एन दे रखा है आपका थ्री पॉइंट एट परसेंट वन प्लस आर टू दी पावर एन की वैल्यू निकालनी है एक बार चेक करिए आपको आ रहा ही नहीं आ रहा मैं लिख रही हूं ये हम करेंगे वन प्लस डायरेक्ट लिखू मैं भी पॉइंट जीरो जीरो एट टू पावर थ्री डैट मीन्स वन पॉइंट जीरो जीरो एट पॉइंट एट का मतलब कितना हो गया पॉइंट जीरो जीरो एट और रेस्ट टू दावर थ्री दिस वैल्यू कम्स वन पॉइंट जीरो टू फोर तो एक बार अपनी ये वैल्यूज चेक करिए हम अब डायरेक्ट जब क्वेश्चन लगें लिखेंगे चाहे एन यू ट्यू के हों या कंपाउंडिंग के सिंपल वाले हों मैं डायरेक्टली वन प्लस आर टू दी पावर एन की वैल्यू लिखूंगी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी स्पीड मेंटेन रहे कोई भी रेट लीजिए एन लीजिए और सॉल्व करके देखिए ठीक है ठीके? फिर अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे इसी तो मैं आपसे रेट पूछती जाऊंगी और एंड पुछती जाऊंगी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन रुपीज फोर थाउजेंड इज इन्वेस्टेड वट इज दिस दिस इज प्रिंसिपल आपने कितना इन्वेस्ट किया है फोर थाउजेंड रुपीज किस रेट से टेन परसेंट से आफ्टर टू ईयर्स आपको दे रखा है टाइम द अमाउंट पूछा क्या है आपसे अमाउंट आफ्टर टू ईयर्स कंपाउंडिंग कैसे हो रही है कंपाउंडिंग हो रही है मंथली शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी क्या रेट लगेगी रेट के लिए आपको क्या करना है डिवाइड बाय ट्वेल्व और परसेंटेज है इसलिए हंड्रेड भी लगाना है तो रेट क्या लगेगी स्मॉल आर स्मॉल आर आप निकालेंगे तो आप क्या करेंगे टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व परसेंट लेकिन परसेंटेज का साइन हटाना है तो यू कैन राइट आर इज इक्वल टू टेन डिवाइडेड बाई ट हंड्रेड ठीक है तो अगर डेसिमल में नंबर आ रहे हैं जैसे इस क्वेश्चन में डेसिमल में नंबर आएगा तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है एन एन कितना हो जाएगा टू ईयर्स टू ईयर्स यानी कि मल्टीप्लाइड बाई ट्वेल्व ट्वेंटी तो चेक करेंगे पी कितना है फोर थाउजेंड रेट टेन परसेंट कैपिटल आर टी टू ईयर्स लेकिन अगर कंपाउंडिंग मंथली हो रही है तो आप क्या करेंगे रेट को लिखेंगे टेन डिवाइडेड बाय ट्वेल्व ट्वेल्व किसके लिए लिखा मैंने मंथली के लिए हंड्रेड क्यों लगाया मैंने क्योंकि वो परसेंटेज में था एन ट्वेंटी फोर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर टू पावर एन सॉल्व करेंगे आप इसको तो ये वैल्यू आएगी आपकी फोर ट्रिपल एट पॉइंट वन सिक्स रुपीज सेवन फाइव डबल ज़ीरो इज बोरोड एट सी आई सेवन फाइव डबल जीरो आपने क्या किया लोन लिया किसी से बोरो किया किस रेट पे फोर परसेंट पर एनम वॉट विल बी द अमाउंट पेड आफ्टर सिक्स मंथ्स लेकिन आपने सिक्स मंथ्स में ही पे कर दिया इफ कंपाउंडिंग इज डन क्वार्टरली 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 के लिए क्या करना है फोर से डिवाइड फोर से मल्टीप्लाई टाइम सिक्स मंथ्स दे रखा है तो अगर सिक्स मंथ्स दे रखा है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड बाय ट्व दैट विल इक्वल टू पॉइंट फाइव ईयर्स सिक्स मंथ्स रेट क्या लगेगी फोर परसेंट पर एनम लग रही है तो वन मंथ के लिए कितनी लगेगी सॉरी थ्री मंथ्स के लिए कितनी लगेगी डिवाइड बाय फोर वन परसेंट एंड पॉइंट फाइव ईयर्स और क्वार्टरली में कन्वर्ट करना है इसलिए मल्टीप्लाइड बाय फोर दैट इज इक्वल टू टू टाइम्स यू कैन डायरेक्टली अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाफ ईयर में कितने क्वार्टर्स होंगे हाफ ईयर्स में होंगे टू क्वार्टर दैट मीन्स टू टाइम्स इंटरेस्ट आपकी कैलकुलेट होगी तो एन इज इक्वल टू टू फॉर्मुला लगाएंगे हम लोग अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर पावर एन वन डिवाइड बाय हंड्रेड पावर एन आप इसको सॉल्व करेंगे कैसे सॉल्व करेंगे पूरा कैलकुलेटर पे लिखना है पावर टू, मैं डायरेक्टली यहीं से लिखती वैसे वन पॉइंट जीरो पावर टू एंड दैट विल इक्वल टू सेवन सिक्सटी यानी कि आप किसी को सॉरी सेवन सिक्स फाइव जीरो दैट मीन्स सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज बिकम सेवन सिक्स फाइव जीरो पॉइंट सेवन फाइव एंड सिक्स मंथस और अगर केस हमसे इंटरेस्ट पूछा जाता इन केस तो मैं क्या कर देती इसमें से माइनस कर देती सेवन फाइव डबल जीरो रुपीज तो मेरे पास क्या निकल के आ जाता वन सिक्स वन फिफ्टी पॉइंट सेवन फाइव रुपीज़ का इंटरेस्ट फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इस बार सी पूछा है तो आप चाहें तो सी का फॉर्मला लगा दें और आप चाहें तो अमाउंट निकाल के उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर दें किस पे निकालना है सी आई थाउजेंड रुपी टेन थाउजेंड रुपीज पर कितने मंथ्स के लिए नाइन मंथ्स रेट दे रखी फोर परसेंट और कंपाउंडिंग हो रही है क्वार्टरली क्वार्टरली फोर से डिवाइड फोर से मल्टीप्लाई रेट को डिवाइड करूंगी फोर से कितना लगेगा वन परसेंट टाइम नाइन मंथ्स नाइन डिवाइड बाय ट्वेल्व दैट इज इक्वल टू पॉइंट सेवन फाइव ईयर्स पॉइंट सेवन फाइव मल्टीप्लाइड बाई फोर दैट इज इक्वल टू थ्री टाइम्स आप डायरेक्ट समझ सकते हैं नाइन मंथ्स में कितने क्वार्टर्स आएंगे कितने थ्री थ्री मंथ्स बनेंगे थ्री टाइम्स ठीक है हमें क्या करना है हमें फॉर्मूला लगाना है दोबारा बोल रही हूँ आप चाहें तो सी का फॉर्मूला लगा सकते हैं आप चाहें तो अमाउंट निकाल कर उसमें से प्रिंसिपल माइनस कर लें बट मैं डायरेक्ट लगा रही हूँ सी का फॉर्मूला वन मोर थिंग बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं माइनस वन लास्ट में कर देते हैं जो कैलकुलेशन आप अंदर वाले नंबर का करेंगे उसमें से माइनस वन करना एंड देन मल्टीप्लाइड बाय पी पहले एक बार इसको लिखते हैं क्या लिखना है हमें हमें लिखना है पीस टेन थाउजेंड रुपीज वन पॉइंट जीरो वन रेस्ट टू द पावर थ्री माइनस वन सॉल्व करना समझा रही हूँ मैं इसको आप लिखेंगे क्या टेन थाउजेंड वन पॉइंट जीरो वन ड्रेस टू थ्री माइनस वन तो ये जो माइनस वन है वो ब्रैकेट के अंदर है यानी कि आप वन पॉइंट ज़ीरो वन की पावर थ्री और कैलकुलेटर पे सही करिए माइनस वन कर दीजिए दैट विल इक्वल टू ये जब आप सॉल्व करेंगे मैं लिख रही हूँ अदरवाइज आपको पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है पॉइंट जीरो थ्री जीरो थ्री ज़ीरो वन इसको मल्टीप्लाइड करेंगे आप टेन थाउजेंड रुपीज़ से तो आपका आएगा थ्री जीरो थ्री पॉइंट जीरो वन अप्रोक्स सी आई ठीक है तो ये पूरे नंबर्स आपको कैलकुलेटर पे लिखना है आपको बस रेट देखनी है और एंड देखना है और पूरा क्वेश्चन कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है कॉपी में लिखने की हैबिट नहीं बनानी है इसको क्लियर है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सम एट द रेट ऑफ फाइव परसेंट टू ईयर्स इज इक्वल टू दिस सी आई दे रखा है आपको क्या फाइंड करना है आपको सम सम दैट मीन्स प्रिंसिपल फाइंड करना है फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि सी आई दे रखा है तो सी आई का फॉर्मूला लगाते हैं सी आई इज इक्वल टू पी वन प्लस आर टू दावर एन माइनस वन सी आई कितना है आपके पास फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो रेट चेंज क्यों नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन क्यों में कुछ भी गिवन नहीं है और अगर नहीं गिवन होता तो हम मान के चलते हैं कि कंपाउंडिंग क्या हो रही है एनुअली ठीक है तो अगर कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है तो आपको कुछ नहीं करना है जो रेट है वो एज इट इज जो टाइम है वो एज इट इज वैल्यू पुट करेंगे हम सी की जगह 512.5 पी फाइंड करना है रेट 0.50 सॉरी 1.05 पावर टू माइनस वन अब क्या करना है आपको आपको इस नंबर को कैलकुलेटर पे सॉल्व करना है 1.05 पावर टू माइनस वन एंड दैट विल इक्वल टू पॉइंट वन जीरो टू फाइव पी फाइन करना है तो पी फाइन करने के लिए क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे फाइव ट्वेल्व डिवाइडेड बाय पॉइंट वन जीरो टू फाइव इट विल इक्वल टू फाइव थाउजेंड रुपीज यानी कि प्रिंसिपल कितना है फाइव थाउजेंड उस पर फाइव परसेंट से टू ईयर्स का सी कितना बन रहा है बन रहा है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेल्व पॉइंट फाइव जीरो रुपीज अभी तक तो क्या था क्वेश्चन में रेट सेम थी लेकिन कई बार क्या होता है कंपाउंडिंग के लिए रेट भी अलग अलग दे देते हैं हो सकता है फर्स्ट ईयर के लिए रेट अलग हो सेकंड ईयर के लिए सेम चल रही हो लेकिन थर्ड ईयर में फिर चेंज कर दियो फोर्थ ईयर में सेम हो फिफ्थ ईयर में चेंज कर दियो तो क्या करेंगे देखिए बेसिकली आप समझिए जब वन प्लस आर टू दी पावर एन है सपोज करती हूँ मैं यहाँ लिख रही हूँ वन प्लस आर टू दी पावर थ्री वट इज द मीनिंग ऑफ थ्री हम ये बोल रहे हैं कि रेट जो है वो तीन साल तक लग रही है सेम तो हमने वन प्लस आर ओ दी पावर थ्री लगा दी लेकिन मैं क्या इसको ऐसे लिख सकती हूँ वन प्लस आर ओ दी पावर वन प्लस आर वन प्लस आर वन प्लस आर लिख सकती हूँ पावर पावर थी क्यूब तो मैंने क्या करा उनको सेपरेट फॉर्म में लिख दिया तो अगर हर साल के लिए सेम रेट लगती है तो ये कैलकुलेशन ईजी हो जाती है हम जो ये करते हैं लेकिन अगर रेट डिफरेंट है तो जितने साल के लिए जो रेट लग रही है आप वही यूज़ करेंगे ठीक है यानी कि अगर फर्स्ट ईयर की रेट अलग लग रही है तो ये भी वन 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 इसको मैंने क्या करा वन प्लस आर वन प्लस आर वन प्लस आर पावर वन 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 क्योंकि थ्री को ब्रेक किया है पता चला पावर थ्री 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 लगा दी तो नाइन ईयर्स हो जाएंगे नाइन टाइम्स कैलकुलेशन ऐसा नहीं करना है ठीक है तो फॉमुला देखेंगे अमाउंट इज इक्वल टू तो प्रिंसिपल बट रेट डिफरेंट है तो वन प्लस आर वन वन प्लस आर टू वन प्लस आर थ्री जितने टाइम्स के लिए एन वन एन टू एन थ्री ठीक है क्वेश्चन लेते हैं द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न बाय अ मनी लैंडर ऑन सेवन थाउजेंड रुपीज से आपको क्या निकालना है इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थ्री इयर्स आर दिस वन रेस्पेक्टिवली अगर तीनों थ्री इस के लिए सेम रेट चलती तो मैं क्या कर देती वन प्लस टू दी पावर एन या वन प्लस सपोज़ करिए सेवन परसेंट लगती है वन पॉइंट ज़ीरो सेवन की पावर थ्री लेकिन इस बार पॉसिबल नहीं है तो हम क्या करेंगे हम लोग एक एक करके रेट लगाएंगे फर्स्ट ईयर के लिए रेट क्या लग रही है हमारी सेवन परसेंट सेवन सेकेंड ईयर के लिए एंड थर्ड ईयर के लिए कैसे लिखूंगी मैं इसको वन पॉइंट जीरो सेवन की पावर वन वन पॉइंट ज़ीरो एट की पावर वन वन पॉइंट जीरो एट फाइव की पावर वन मल्टीप्लाइड बाय प्रिंसिपल सॉल्व करेंगे आप इसको इट विल कम एट डबल सेवन सिक्स ये क्या निकला है अमाउंट अगर अमाउंट पूछा होता दैट इज आंसर लेकिन पूछा क्या है आपसे पूछा है कंपाउंड इंटरेस्ट सी आई तो क्या करेंगे इसमें से माइनस कर देंगे सेवन थाउजेंड रुपीज कितना आ जाएगा आपका सी आई वन डबल सेवन सिक्स इस चीज को आप टेक्निकली समझिए आप कैलकुलेटर पे डायरेक्ट कर सकते हैं इसको कैसे सेवन थाउजेंड रुपीज़ पर प्लस कर दीजिए एट परसेंट फर्स्ट ईयर में आपका जो पैसा था सेवन थाउजेंड रुपीज़ इट विल कन्वर्ट इन सेवन फाइव सिक्स ज़ीरो फिर मैं प्लस कर दूँ इसमें एट परसेंट इंटरेस्ट नेक्स्ट ईयर में जो मेरा पैसा था कितना हो गया था फर्स्ट ईयर में सेवन सिक्स फाइव ज़ीरो उसी पर इंटरेस्ट मिलना है मुझे टोटल पे कितना एट परसेंट तो मैंने कर दिया इसमें प्लस एट परसेंट इट विल कम्स एट वन सिक्स फोर पॉइंट एट सेकेंड ईयर तक मेरा इंटरेस्ट और प्रिंसिपल मिला के इतना हो गया है थर्ड ईयर मुझे इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा प्लस कर दूं मैं इसमें एट पॉइंट फाइव परसेंट तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं इसको ठीक है सेवन परसेंट सेकेंड ईयर एट परसेंट थर्ड ईयर एट पॉइंट फाइव परसेंट तो आप इस तरीके से भी इसको ऐड कर सकते हैं आपका आंसर आ जाएगा नेक्स्ट वन लैक ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इज बोरोड एट सी आई एट द रेट ऑफ टू परसेंट फॉर द फर्स्ट ईयर फर्स्ट ईयर की रेट क्या लग रही है आपकी टू परसेंट सेकेंड ईयर की रेट क्या लग रही है आपकी थ्री परसेंट एंड थर्ड ईयर की रेट लग रही है आपकी फोर परसेंट और आपको क्या फाइन करना है आपको फाइन करना है अमाउंट टू बी पेड दैट मीनस ए निकालना है क्या करना है सेम प्रोसेस जो हमने पिछली बार किया था पी दे रखा है रेट दे रखी है द डिफरेंट ईयर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर वन वन प्लस आर टू वन प्लस आर थ्री एक एक साल के लिए लग रही है इसलिए पावर वन 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 फर्स्ट ईयर का मतलब ओनली वन ईयर सेकेंड ईयर का मतलब भी एक्चुअली ओनली वन ईयर सेकेंड ईयर मतलब ओनली वन ईयर ठीक है थर्ड ईयर का मतलब थर्ड ईयर के लिए रेट लग रही है लेकिन पूरे एक साल के लिए ओनली ठीक है जब आप इसको सॉल्व करेंगे इट विल कम वन थर्टी सिक्स फाइव सेवेंटी एट और अमाउंट फाइंड करनी है इसलिए वन ट्वेंटी फाइव ट्रिपल जीरो माइनस नहीं करेंगे क्वेश्चन काफी अच्छा है इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही थी पर्सन डिपॉजिट इन अ बैंक प्रिंसिपल कितना है आपका द डिपॉजिट लेफ्ट टू एक्मलेट एट सिक्स परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट क्वार्टरली फॉर द फर्स्ट फाइव इन पहले पांच साल तक आपको क्या रेट मिल रही थी छे परसेंट और कंपाउंडिंग कैसे हो रही थी क्वार्टरली आफ्टर दैट एट परसेंट कंपाउंडिंग हो रही है वो भी कैसे सेमी एनुअली फॉर द नेक्स्ट एट ईयर्स अगले आठ सालों के लिए कंपाउंडिंग का पैटर्न चेंज हो गया रेट चेंज हो गई फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट सॉरी फाइंड द अमाउंट आफ्टर थर्टीन ईयर्स पहले पाँच साल के लिए अलग कैलकुलेशन है अगले आठ साल के लिए अलग कैलकुलेशन है तो पहले हम लोग पहले वाले का समझते हैं कंपाउंडिंग हो रही है इसका मतलब कैपिटल आर और कैपिटल टी तो हमें दे रखा है रेट क्या दे रखी है सिक्स परसेंट टाइम क्या दे रखा है आपको फाइव ईयर्स लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रही है कंपाउंडिंग हो रही है यहाँ पर क्वार्टरली तो अगर क्वार्टरली हो रही है तो क्या करूंगी डिवाइड बाय फोर मल्टीप्लाइड बाय फोर तो जैसे ही मैं डिवाइड करूंगी रेट को फोर से रेट विल कम वन पॉइंट फाइव टाइम को मल्टीप्लाइड करूंगी फोर से दैट विल इक्वल टू ट्वेंटी यानी कि मेरे पास पहला आर और पहला एन तो आ गया आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट एट ईयर्स और रेट क्या लग रही है इस बार रेट लग रही है एट परसेंट लेकिन कंपाउंडिंग कैसे हो रही है इस बार कंपाउंडिंग हो रही है हमारी एनुअली हाफ एली सॉरी सेमी एनुअली या हाफ एडी सेमी एनुअली हाफ एडली डिवाइड बाई टू मल्टीप्लाईड बाई टू यानी कि रेट को क्या करना है डिवाइड करना है टू से और टाइम को मल्टीप्लाई करना है टू से एट इंटू टू सिक्सटीन एट डिवाइड बाई टू फोर परसेंट अब हमारे पास सेकंड वाला आर और एन भी आ गया तो अब हम क्या करेंगे हमारा अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे अमाउंट इज इक्वल टू मैं यहाँ लिख देती हूँ पी वन प्लस आर वन की पावर एन वन वन प्लस आर टू की पावर एन टू ठीक है तो आप क्या करेंगे लिखेंगे प्रिंसिपल फाइव थाउजेंड वन पॉइंट जीरो वन फाइव की पावर ट्वेंटी वन पॉइंट जीरो फोर की पावर ट्वेल्व सॉरी सिक्सटीन 1.015 ये वाली वाली इसकी पावर कितनी लगेगी 20 और इसकी 1.04 पॉइंट जीरो तो फ़ोर टू पावर सिक्सटीन इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करना थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि पावर्स थोड़ी ज़्यादा आ रही हैं तो आप क्या कर रही हैं इसको कॉपी में लिखिए आप नंबर्स लिखिए कि क्या नंबर्स आ रहे हैं वन की पावर ट्वेंटी वन की पावर सिक्सटीन और लास्ट में तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करिए यू विल गेट अमाउंट वन टू सिक्स वन थ्री पॉइंट वन सेवन तो अभी हमने क्या पढ़ा हमने देखा कि अगर हमारे पास कंपाउंडिंग दे रखी है क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है अमाउंट प्रिंसिपल या फिर सी आई फॉर्मूला लगाना है सिंपली लेकिन रेट और टाइम का यानी रेट और एंड का ध्यान रखना है हर साल के लिए अगर रेट अलग रख रही है तो आप क्या करेंगे रेट को उसी पीरियड के लिए यूज़ करेंगे अलग अलग रेट्स अलग अलग पीरियड के लिए और आप क्या फाइंड कर सकते हैं अमाउंट इन केस आपसे सी आई पूछा जाता तो आप माइनस कर देते इसमें से प्रिंसिपल यानी कि फाइव थाउजेंड रुपीज तो सेवन सिक्स वन थ्री पॉइंट वन सेवन सी आई ठीक है तो याद रखिए सबसे पहले बेस्ट है आप अमाउंट का फॉर्मूला लगाइए एंड आफ्टर दैट आप क्या करिए सी आई फाइन करिए इसके आगे के क्वेश्चन इसी पैटर्न के हम लोग कंटिन्यू करेंगे अभी के लिए बाय एवरी वन